जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हूं, जहां पर आइडियाज 2022 बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश जो है वो जारी है। और मैं इस वक्त नस्ट जो है यूनिवर्सिटी, उसके स्टॉल पर जो है मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है इसके जो तालिबे इल्म हैं, उन्होंने ये एक कार डिज़ाइन की है जो कराची से हैदराबाद का फासला है, वो 25 रुपए में जो है कहते हैं कि ये सफ़र कर सकती है। अच्छा, ये वो कार है जिसका स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये जो है 25 रुपए में जो है सफ़र कर सकती है कराची से हैदराबाद तक। तो इन स्टूडेंट से ही बात करते हैं कि वो किस तरह से ये 25 रुपए में सफ़र करेगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताएं, क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा फ्रॉम नस्ट। नस्ट, अच्छा, कौन से उसमें पढ़ रहे हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ। अच्छा, क्या ये आप किस तरह से कह रहे हैं ये 25 रुपए में हैदराबाद पहुंच जाएगी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। सर, हमने डिफरेंट चीज़ों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, एंड दैट्स व्हाई हम लोग ये बोल रहे हैं कि 25 रुपए में आप हैदराबाद जा सकते हैं। हमने असल में गाड़ी का वेट कम से कम रखा, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। वेट कम करने के लिए हमने डिफरेंट कंपोजिट मटेरियल जो कि पाकिस्तान में बहुत रेयर होते हैं, हमने उसकी सोर्सिंग बाहर से की और उसको लिया, जिसकी वजह से इसके स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो काफ़ी बढ़ गया, यानी कि वेट कम आपका और स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होगी। सेकेंड चीज़ के गाड़ी का डिज़ाइन हम खुद करते हैं, हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे करते हैं, तो उसमें आपका एक ड्रैग कोफिशिएंट फैक्टर आता है जो हमने कम से कम रखा है, यानी कि आपकी जो गाड़ी पे सामने से हवा लगती है, जो फ्रिक्शन होती है, लाइक कि अगर आप चलती गाड़ी से हाथ निकालते हो तो आपके हाथ पे एक फोर्स लगती है, हमने वो हवा को यूटिलाइज करने के लिए गाड़ी की शेप इस तरह बनाई है एरोडायनेमिक कि उसका ड्रैग कोफिशिएंट सिर्फ 0.26 है। थर्ड चीज़ के हम टायर्स डिफरेंट यूज़ करते हैं, जो कि मिशलिन के टायर्स हैं, हमने बाहर से इम्पोर्ट किए हैं, थ्रेडलेस टायर्स हैं। बेसिकली ये देख सकते हैं आप लोग कि थ्रेडलेस टायर्स हैं, हमने बेसिकली बाहर से इसको इम्पोर्ट करवाया है। ये इसका बाइसाइकिल के टायर है, इसका मतलब ये काफ़ी पतले हैं नॉर्मल कमर्शियल गाड़ियों से। सो इसका ये होता है कि आपके ग्राउंड से जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो आपकी फ्रिक्शन कम से कम प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। ठीक है, अच्छा आप बताएं कि ये कार तो बना ली, ये तो पहुंच जाएगी, अगर इसको कमर्शियल उस पर करते हैं, या तो पहले तो ये बता दें कि कोई कंपनी है आप लोगों को जो इसके ऊपर कर रही है, इसको मार्केट में लेके आए, अगर मार्केट में लाएंगे तो फिर ये तो 25 में जाएगी, वो कितने में जाएगी? तो कि हम इनोवेशंस कर रहे होते हैं डिफरेंट, जिसमें हमने कहीं लाइक कंट्रोलर्स हम खुद डिज़ाइन कर रहे होते हैं और बाकी चीज़ें, तो वो इनोवेशंस जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो वो जो कि बहुत अच्छी इनोवेशंस होती है, वो कंपटीशन उनको पिक करता है एंड देन वो रियल लाइफ कार्स में जो आपकी इंप्लीमेंट हो जाती है। हमारे पास अभी ऐसा ऑन बोर्ड कोई कंपनी नहीं है जो कि हमारी इनोवेशन को डायरेक्टली लेके उसको बना सके, बट हाँ हम अप्रोच कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत नियर फ्यूचर में हम उसके ऊपर इनको रियल लाइफ में लाएंगे। इसके अंदर हम 25 में जा सकते हैं, बट अगर हम कहें कि हम किसी रियल लाइफ पे उस पर करें तो वहाँ पे 25 तो नहीं होंगे, बट उससे बढ़ जाएंगे पैसे, लेकिन कम होंगे। कम से कम मतलब ये ऐसी गाड़ी बनेगी असली शक्ल में आने के बाद, आम गाड़ियों के मुकाबले में कम फ्यूल इस्तेमाल करेगी। लाइक आपके पेट्रोल के प्राइसेस और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस कंपेयर करें तो वो बहुत डिफरेंस है, तो आप एक लीटर में इतना ट्रैवल नहीं कर सकते जितना ये एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ट्रैवल कर रही है। ये इलेक्ट्रिक है पूरी? ये इलेक्ट्रिक है। कि बैटरी कैसे चार्ज होती है? इसकी बैटरी नॉर्मल चार्ज से होती है, 500 जो है VLDC वॉट इसकी मोटर है इसके अंदर, और जो है इसकी कंट्रोलर्स वगैरह इस तरीके के डिजाइन, तो वो उसकी एफिशिएंसी उसको इंक्रीज कर रहे हो। ठीक, आजकल तो बसें भी आ गई ना कराची में, वो 20 मिनट में इतनी बड़ी बस और फिर पूरे 300 किलोमीटर तक चलती है, वो कोई इस तरह की मतलब क्या आप प्लानिंग है कोई करने की आप लोगों क्या है? सर अभी तो फिलहाल हमारे इसी को और ज़्यादा अच्छा करने का इरादा है कि और हम इसका वो कम कर देंगे जो प्राइस हमारे पास 25 है, हाँ वो वाली उसमें हम कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमारे पास एक प्राइस का वही डिफरेंस आ जाएगा और इसको हम लाइक चेंज करके और कम पे ला सकते हैं, तो वो वाली इनोवेशन हम ऐड कर सकते हैं। इसके हम लोग स्टूडेंट हैं, इतने फंड्स हम अपनी जेब से तो नहीं निकाल सकते, सो वी नीड सम कंपनी सपोर्ट, सम इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, सो दैट्स व्हाई हम इसको कमर्शलाइज कर देंगे फिर, तो हम उन्हीं को ही अप्रोच कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह नियर फ्यूचर आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अच्छा, नस्ट यूनिवर्सिटी जो है पूरे स्टॉल पर और चीज़ें भी वहाँ के जो तलबा हैं उन्होंने यहाँ पर लगाई हैं, इनसे पूछते हैं, ये शायद ड्रोन है, ड्रोन जो है यहाँ पर तैयार किया, दिखाएं जरा थोड़ा सा नस्ट यूनिवर्सिटी के। आप भी स्टूडेंट हैं? अच्छा, आप आएँ ज़रा थोड़ा सा, आप भी हैं?
ये क्या बनाया है? ड्रोन लग रहा है मुझे ये। जी हम लोगों ने ये VTOL है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल दैट इज कैपेबल ऑफ वर्टिकल टेक ऑफ एंड अ क्रूज फ्लाइट एज अ प्लेन। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ड्रोन एंड एरोप्लेन। और इसकी खास बात यह है कि ना सिर्फ मैनुअल फ्लाइट्स यूज हो सकता है बट इट कैन बी यूज फॉर ऑटोनमस फ्लाइट्स। हम इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं एंड वी टारगेट कॉम्पिटिशंस दैट आर हैपनिंग इन तुर्की। हमारा भी रिसेंट कॉम्पिटिशन थी तुर्की के अंदर टेक्नोफेस्ट के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने पार्ट लिया था और वहाँ पे हम लोग आउट ऑफ 123 नेशंस हम 18 पोजीशन पे आए थे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कहाँ काम आता है ये? जो है काम जो आता है इसकी, जैसे अभी वेरियस एप्लीकेशंस हैं, जैसे ये मॉडल है इट इज़ यूज फॉर सर्वेलेंस एंड ड्रॉपिंग ऑफ पेलोड्स। तो ये अभी जो हमारे कॉम्पिटिशन के अंदर जो मिशन था डेट वॉज बेसिकली सर्विंग ऑफ द एरिया एंड देन ड्रॉपिंग द पेलोड ऑन द डेजिग्नेटेड मार्कर। सही। तो हमारे जो इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है, इट इज़ रियल लाइफ एप्लीकेशन हमारे इसके फ्लड के अंदर देख सकते हैं। जो अभी फ्लड आया था रिसेंटली सिंध के अंदर, तो वहाँ पे जहाँ रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पे हम खुद नहीं जा सकते, वहाँ ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल करके पहुँचा सकते हैं, जो कि नॉट ओनली लोकेशन पिक कर लें ड्रोन्स की, बट यानी कि जो सैलाब ज्यादा इलाके हैं जिस तरह मुश्किल भी लोगों तक पहुंचे नहीं है तो आइडेंटिफाई कर सकता है, जाके हाँ आइडेंटिफाई करके बता सकता है और वहाँ पे पेलोड भी ड्रॉपिंग बेसिक फर्स्ट एड किट। देखिए जहाँ पे आप लोगों को अपने ह्यूमन कैजुअलिटीज को कम से कम रखना होता है, क्योंकि जैसे सैलाब ज्यादा इलाके हैं जहाँ पे आप खुद मैन पावर भेजेंगे तो उस मैन पावर को खुद को जो है वो खतरा है, जानी खतरा। तो हमारे जो UAVs हैं बेसिकली ये इनको सिर्फ एक बंदे की जरूरत होती है जो कि ग्राउंड से इनको कंट्रोल करता है, बाकी जो भी काम है जैसे सप्लाई पहुंचाना है, दवाइयों का सप्लाई है, राशन का सप्लाई है, तो इसका जितना पे लोड है उस हिसाब से हम इसके ऊपर राशन बेच के या मेडिसिन बेच के उन इलाकों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अच्छा कोई अमली तौर पर कोई है आप लोगों की सपोर्ट में, हुकूमत या कोई इंडस्ट्री के, या इसको अमली शक्ल दी जा सके, ऐसा कोई बात हुई आप लोग, ये कोई प्लान है? एज अ टीम हम काम कर रहे होते हैं नस्ट के अंदर, हम खुद अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और हम कॉम्पिटिशन टारगेट करते हैं, बट येस हमारे जो मॉनिटरी स्पॉन्सर्स होते हैं जैसे HBL है, टी मोटर्स है, डेट इज अ कंपनी ऑफ UK, तो हम लोग स्पॉन्सर्स के थ्रू अपने मॉनिटरी जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी कर रहे होते हैं, और अभी एस सच हमने कोई गवर्नमेंट के अंदर आइडिया लॉन्च नहीं किया हुआ, एस सच इनिशिएटिव नहीं मिला है, इसको कोई खास बूस्ट नहीं मिला है, बट ये कि वी आर सीकिंग दैट गवर्नमेंट सपोर्ट ऑल्सो एंड also we are seeking good sponsors for our mission so that we can excel in our field. ठीक है, गुड। ये नस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिन्होंने ये जो है ड्रोन बनाया है जो कि सर्विलेंस ड्रोन है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि सैलाब ज़दा इलाकों में या कोई भी स्पेस आइडेंटिफाई करनी वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप भी नस्ट के स्टूडेंट हैं? जी जी जी। ये क्या बनाया है, ये क्या है? हम लोग नस्ट रोबोटिक्स एंड AI से बिलोंग करते हैं एंड हम लोग का ये फर्स्ट इनिशियल प्रोटोटाइप है एक सोशल रोबोट का। तो क्या है थोड़ा सा दोबारा बताइए? सोशल रोबोट है, कॉन्वर्सेशनल रोबोट। तो व्हेन यू स्पीक टू हर, हर नेम इज साई, व्हेन यू स्पीक टू हर शी विल रिस्पॉन्ड टू यू। तो डिपेंडिंग ऑन हम लोग ने जिस तरह से अपने सॉफ्टवेयर को कन्फिगर किया हुआ है उस तरह से अपने डेटा को ये रिट्रीव करेगा एंड देन रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है, इफ़ यू आस्क वेदर क्या है फिलहाल कराची के अंदर, इट विल टेल यू द आंसर। और इसके अलावा हम लोग इसको और भी एक्सपैंड कर सकते हैं इसके फंक्शंस को। इसके अंदर अभी फिलहाल आप लोगों ने ये डाल, यानी कि ये वो रिपोर्ट है जो बात कर सकता है आप लोगों से, मतलब आपको जवाब देगा, एंड ये आपको यहाँ से इसका जो कैमरा लगा हुआ है यहाँ से आपको रिकॉग्नाइज भी करेगा। अच्छा, तो पहचान भी कर लेगा। हाँ बेसिकली, तो आप जब बात कर रहे होंगे इसके साथ तो इसकी ना वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी फेस की और इमेजेस इसके ना स्टोर हो जाएंगे इसके अंदर, तो व्हेन यू कम बैक एंड टॉक टू हर तो आपकी फेस को वो रिकॉग्नाइज कर लेगी। अच्छा ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है ज्यादा ये बताएं? अभी फिलहाल हम लोग का जो इसका मेन पर्पज जो हम लोग को लग रहा है ना इसके नेक के साथ, आप इंफॉर्मेशन डेस्क में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप आइडियाज़ के अंदर आए तो इनके हेल्प डेस्क लगे हुए ना, अगर आपने उनसे पूछा कि हॉल नंबर 5 का है या हॉल नंबर 6 का है तो ये आपको जवाब दे देंगे। अच्छा गुड, तो ये अमली शक्ल में कब तक आएगा? ये अभी हम लोग का नेक्स्ट फेज जो है ना वो इसको 5-foot रोबोट में बनाने का है, तो इसके जो भी लोअर कंपोनेंट्स, लोअर बॉडी के कंपोनेंट्स है ना वो इंटीग्रेट करेंगे हम, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग का ये प्लान प्रोग्रेशन में चल रहा है। ठीक है गुड। क्या नाम क्या है आपका? अलीना। अलीना, चलो ठीक है, माशाल्लाह अच्छी अच्छी कोशिश है। और कोई बात ऐसी जो आप भूल गए हो? अच्छा, मेरा नाम अली है और इसके अंदर एक फीचर जो मिस आउट किया है हमने वो ये है कि ये हम लोग इसको मैनेजमेंट सिस्टम से भी लिंक कर सकते हैं। अच्छा। तो आपने इसको किसी भी हॉस्पिटल में आपने रख दिया या आपने किसी भी कंपनी में रख दिया रिसेप्शन डेस्क के ऊपर, वहाँ के मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक्ड है, कोई भी पेशेंट आता है तो उसका मार्क हो जाएगा कि यार पेशेंट इस टाइम पे आया था, या कोई भी एम्प्लॉय आता है तो अटेंडेंस सिस्टम होता है,
नॉर्मली फिंगरप्रिंट अटेंडेंस होती है, तो आप उस जगह इसको रख सकते हैं, ये बंदे को देखेगा कि ये फला एम्प्लॉय आ गया उस किस टाइम पे आया, वो भी पूरा आपका मैनेजमेंट सिस्टम पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी हमने इसको अपनी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट सिस्टम के साथ लिंक किया है, तो किसी भी स्टूडेंट की अटेंडेंस हो गई, उसकी मार्क्स हो गए वहाँ पर चल रहे हैं, जी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं अंडर वहाँ पे यूज़ है। ठीक है, गुड, अच्छी कोशिश है ये भी, और इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे और इसको मजीद जो है कुछ करनी है। और भी चीज़ें हैं, नस्ट जो यूनिवर्सिटी है, अस्सलाम वालेकुम, क्या बताएं सर? ये पाकिस्तान का पहला स्टूडेंट बिल्ट एक्सपेरिमेंटल साउंडिंग रॉकेट है प्रोजेक्ट रफ्तार के नाम से। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 10,000 फीट अबव ग्राउंड लेवल, डिपेंडिंग किस क्लास की आप लोग मोटर इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। इसको डेवलप करने वाले, मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन करने वाले पाकिस्तान की पहली स्टूडेंट रॉकेट और सबसे बड़ी स्टूडेंट रॉकेटरी टीम है नस्ट रॉकेट टीम के नाम से। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, किस तरह से इस्तेमाल होगा ये बताएं जरा। यूजुअली सर जब हम लोग रॉकेट्स के बारे में बात करते हैं पाकिस्तान के विद रिस्पेक्ट से, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मिसाइल्स या फिर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आती है। हम क्योंकि स्टूडेंट रिसर्च टीम्स की तरफ से जा रहे हैं, तो हमारा मानना है कि वाई नॉट यूज़ दिस 2-4 kg गैप फॉर रिसर्च पर्पजेज। हम लोग इसमें इमेज प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, लो ऑर्बिटल सैटेलाइट्स बनवा सकते हैं, लैंड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स करवा सकते हैं, मुख्तलिफ डोमेन है डिपेंडिंग ऑन जितना हाइट पे ये रॉकेट जा सकता है।